माफी किस लिए मांगी है, मांग रहे हैं जो आप मांग रहे हैं अभी? कल वाले मामले पे है या पुराने वाले पे है? महंत जी, जो आप माफी मांग रहे हैं वो कल वाले, जो लेटेस्ट मामले पे है या फिर वो पुराने मामले? नहीं 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 मैंने जो 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 नहीं, जिससे आहत जो लोग होते हैं, संतों का ये काम नहीं है। मैंने कहा था उस समय में कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करेगा मैं उसको 21 लाख दूंगा। मैं अपने वाणी को वापस लेता हूँ, आपके जिम्मेदार चैनल पर मैं जिम्मेदारी पूर्वक मैं कहता हूँ, मैं अपने बात को वापस लेता हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक ये नहीं कह पाया कि नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहे हैं। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य ये नहीं कहा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि दो बहनों को निकाल दिया गया, वो दो बहनों का क्या कसूर था? वो कभी भारतीय जनता पार्टी की नारा लगाया क्या? कभी कांग्रेस का नारा लगाया क्या? कभी बीएसपी का नारा लगाया क्या? नहीं, किसी ने 16 साल से काम किया, किसी ने दो दो बार विधायकी का चुनाव लड़ा, सदैव समाजवादी पार्टी की बात किया। उसने सिर्फ यही तो कह दिया कि नहीं हम दल के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे भी आदर्श भगवान राम है, रामचरितमानस हमारे लिए भी पूज्य ग्रंथ है। इस चीज को लेकर उन्होंने विरोध किया, उसके बाद मेरे लिए ट्वीट किया, मेरे लिए उन्होंने ट्वीट किया, बस उसको दोनों ऋचा को और रोली को निकाल दिया गया। क्या यही नारी सशक्तिकरण की बात है? आपको लग रहा है कि महिला सम्मान और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर प्रश्न उठेंगे, क्योंकि दो ऐसी महिलाओं को निकाला गया है जो अपनी बात अलग रख रही थी, हो सकता है पार्टी से अलग बात रख रही, पार्टी का लोकतंत्र भी तो होता है। लेकिन नहीं, क्या ये लोकतंत्र है क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी का ये लोकतंत्र है क्या कि एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय को गाली दिया जाए? अगर उनके ही पार्टी के कोई समाजवादी सिपाही कह दे कि ये गलत बात है, आप बीजेपी को बोल सकते हैं, आप कांग्रेस को बोल सकते हैं, आप बीएसपी को बोल सकते हैं, लेकिन भगवान राम तो सबके हैं, भगवान कृष्ण तो सबके हैं, रामचरितमानस तो सबका है, गीता तो सबका है। आप कुरान में जो कुरीति है उसमें तो सीधे तौर पर कहा गया है कि बुद्ध पूजक ये काफिर है, उस पर किसी ने उंगली उठाई क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य भी तत्काल की घटना कानपुर में हुई, क्या वो एक माँ और एक बेटी महिला नहीं थी क्या? उस पे उन्होंने ट्वीट किया क्या? नहीं, उस पे उन्होंने क्या ट्वीट किया? एक भी शब्द उनके आए क्या? नहीं आए, क्योंकि ब्राह्मण थे इसलिए नहीं आए। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुओं को तोड़ने का साजिश कर रहे हैं, हिंदुओं को लड़ाने का साजिश कर रहे हैं। उनकी जो है दुकान बंद हो चुकी है और गर्त में चले जाएंगे अखिलेश यादव, समाप्त हो जाएंगे अखिलेश यादव। इसलिए मैं कह रहा हूँ वापस मैं जी बयान वापस लिया, उसमें थोड़ा देरी नहीं हो गई? नहीं, कहाँ देरी हो गई? नहीं, देरी तो नहीं हुआ, देरी नहीं हुआ। हमने ये कहा कि नहीं, ये गलत बात है, एक संवैधानिक तौर पर एक गलत बात है कि किसी चैनल पर बैठकर ये कहना कि हम फलाने का सर काट देंगे, ये कर दे। मैं देखिए, आप स्वाभाविक है, आप देखो कि एक मिनट मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ये चर्चा का विषय है। ये देखिए, डेनमार्क में कार्टून बनता है, मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता, किसी भी धर्म, हम संत है, फिर भी सनातन के साथ साथ सभी मजहबों का सम्मान करते, लेकिन ये कालनेमी हिंदू जो अपने आप को जो कालनेमी हिंदू जो बताते हैं, क्या इनका दायित्व तो नहीं है क्या? नहीं, राम मेरे है क्या? राम उनके नहीं है क्या? कृष्ण मेरे है क्या? कृष्ण उनके नहीं है क्या? रामचरितमानस उनकी नहीं है क्या? सिर्फ मेरी है क्या रामचरितमानस? हमें चिल्लाए, हमें झगड़ा करे, आप उस मोड में आ गए कि विनय न मानत जलिद जड़, गए 3 दिन बेती और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न फिरती, उस मोड में आ गए, ऐसा लगा? नहीं, मोड में नहीं, मैंने निवेदन किया था उनको, मैंने कहा स्वामी जी आप एक राजनेता है, आपके पार्टी समाजवादी पार्टी में भी अच्छे अच्छे संत हैं जो समाजवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं। राजूदास एक राक्षस है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, राजूदास बहुत गंदे हैं, चलिए ठीक है महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा निवेदन एक आपसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप उन संतों को बैठा कर शास्त्रार्थ जो है धर्म शास्त्र को शास्त्रार्थ कर लीजिए अगर आपको कोई समस्या है, लेकिन रोज गाली देना, उल्टी सीधी बात करना, ये अच्छी बात नहीं है। इस चीज को लेकर वो मेरे ऊपर टूट पड़े तो जय मैं मारा तय मैं मारो। भाई स्वाभाविक है कि भाई वो जब मेरे गला दबाने का प्रयास, आप देख सकते हैं फुटेज में, आप देखेंगे वो मेरे गला पकड़े हुए हैं, तो भाई स्वाभाविक है जो व्यक्ति गला पकड़ेगा तो हाथ तो उठी। ये बजरंग बली की मुष्टिका है, ये किसी दल का नहीं है, ये हनुमान दल का मुष्टिका है, ये राम जी की मुष्टिका है, तो पर तो जाएगी, लेकिन कष्ट इस बात के नहीं, तलवार थी, उन्होंने कहा तलवार फरसे से आए थे, गलत। मैं पुनः इस चीज का खंडन करता हूँ,
जिस जगह पे ये कार्यक्रम था, मेरे पहले माननीय डिप्टी सीएम बोल रहे थे, मेरे पहले दो दो डिप्टी सीएम बोले, मेरे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, तो इतने तीन तीन जिम्मेदार व्यक्ति के जाने में क्या मैं तलवार लेके जा सकता क्या, मैं फरसा लेके जा सकता क्या, मैं भाला लेके जा सकता क्या? उनकी मानसिकता बहुत गलत है, और उनका जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, उनको यही नहीं पता है। उनको शुद्ध रूप से आ गया कि सनातन को गाली दो, उनको शुद्ध रूप से आ गया कि बाबा ही तो है, क्या दिक्कत है, गाली दो, ये ब्राह्मण ही तो है, इनको जूते लेके मारो, ब्राह्मण क्या करेगा, जूता लेके मार रहे। आप देखिए इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा, अरे राम राम, सीताराम सीताराम। और तो और देखिए, मैं अब क्या बताऊं माननीय अखिलेश जी को, मैं क्या कहूं, दो बहन जिसने राम की बात कर दिया उसको पार्टी से बाहर कर दिया, साधु की बात कर दिया तो पार्टी, सिर्फ मेरे लिए उन्होंने ट्वीट किया था, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध कर रहे थे तब तो चल गया, मेरे लिए ट्वीट किया कर दिया कि उन दोनों बहनों के लिए जार हो गया, तुरंत तुरंत उन्होंने बाहर कर दिया। नहीं, ये बहुत दिक्कत है, कष्ट की बात है, तुरंत उन्होंने बाहर कर दिया, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। ये लोकतंत्र के व्यवस्था में हर व्यक्ति को अधिकार है। जब आप ये कहते हो तो दोनों बहन यही तो कह रही थी, वो भाजपा की बात नहीं कर रही थी, ना तो उन्होंने राहुल जी की बात कर दिया, ना तो सोनिया जी की बात कर दिया, ना तो कांग्रेस की बात कर दिया, अरे साधु का बात किया, तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये कैसे हो सकता है? क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है? क्या ये लोकतंत्र में ऐसा ही चलता है? क्या ये समाजवादी ये विचार है? क्या ये नहीं चलेगा? रामगोपाल जी बोल रहे हैं कि ये शिव शंकर की बारात है, उसमें आड़े टेढ़े भी रहते हैं और अच्छे लोग भी रहते हैं, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, वो तो मौर्य जी को साथ लेके चल रहे हैं इसलिए। नहीं, देखिए देखिए देखिए, बहुत सुंदर है, आप मौर्या जी को साथ लेकर चलिए, लेकिन मेरा निवेदन है माननीय अखिलेश यादव जी, जो कुरान की कुरीति है उस पर एक पोस्टर लगवा के सपा कार्यालय के सामने में, चाहे किसी भी पार्टी के लोग किसी कार्यालय के बाहर लगा के दिखा दे कि हाँ, हिंदू काफिर होते हैं, इनके मारने से 72 हुरे मिलते हैं, ये पोस्टर लग जाए तो मैं उस दिन से मुंह अपना जवान सिल लूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, किसी मतलब भी आप राजनीतिक चाहते दलों हैं को कि मैं बोलता हूँ उधर भी कोई खाली। बवाल हो आप नहीं नहीं बवाल नहीं, बवाल नहीं, ये चाहते विषय नहीं, मैं पुनः निवेदन करता हूँ, यह विषय हैं? बवाल का है ही नहीं है, यह आस्था का विषय है, मैं पुनः निवेदन करता हूँ, दलगत राजनीति से हटकर राम सबके हैं, रामचरितमानस सबका है, भगवान राम सबके हैं, भगवान कृष्ण सबके हैं, यहाँ कोई दल की बात होनी नहीं चाहिए, मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ, सिर्फ सपा कार्यालय के सामने ही क्यों बार बार पोस्टर रामचरित मानस के खिलाफ लगना, ये क्या दर्शाता है? ये विजय जी नहीं, ये कैसी मानसिकता?